आखिर कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हैं, आपने भी नया कंप्यूटर खरीदा या फिर अभी अभी आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके भी मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने का सही तरीका क्या है। आपको पता है जितने भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, उसे हम जब चाहे तब पावर बटन दबाते हैं ऑन हो जाता है, जब चाहे तब उसे बंद करते हैं बंद हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल अलग है, कंप्यूटर हमेशा यहाँ पर शट डाउन करना पड़ता है, इस तरह की यहाँ पर इसका प्रोसेस होती है। कई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही कई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को हमेशा शट डाउन करके ही बंद करनी चाहिए। तो आखिर कंप्यूटर को बंद करने का सही तरीका है क्या, तो ये चीज आज के सुनने में आपको बताने वाला। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा लीजिए, इस तरीके के और भी आपको कंटेंट देखने को मिलते रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों यूं तो कंप्यूटर को हमेशा शट डाउन करके ही बंद करनी चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो पीसी है वो स्लो हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बंद करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर को किन हालातों में डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, वो क्या है, कभी भी अगर आप कंप्यूटर में गाने सुन रहे हैं या फिर क्रोम ब्राउजर अपने ओपन किया है या फिर आप उस पर गेम खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कोई भी यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते टाइम कभी भी आपको डायरेक्ट शट डाउन नहीं करनी है, फिर कभी भी आपको पावर ऑफ नहीं करनी। सबसे पहले आपको जितने भी आप यहाँ पर टास्क ओपन करके रखे हैं, चाहे मीडिया प्लेयर हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, सबको पहले आपको क्या करें, कट कर लेनी है। कट करने के बाद, बंद करने के बाद आपको शट डाउन करनी है, फिर पावर ऑफ करनी है। इससे आपका कंप्यूटर की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट स्टार्ट होगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, इससे हमारा जो रैम है फुल हो जाता है। रैम फुल होने की वजह से फिर डायरेक्ट जब पावर कट होती है तो यहाँ पर जब हम अपने कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो एकदम स्लो स्टार्ट होता है और हैंग करना स्टार्ट कर देता है, शुरू हो जाता है। दूसरा केस यहाँ पर होता क्या है, जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं या फिर शट डाउन करते हैं, तो शट डाउन करने के बाद हमारा जो मॉनिटर है वो सबसे पहले बंद हो जाता है, लेकिन सीपीयू तब तक नहीं बंद हुआ होता जब तक उसमें फैन चल रही होती है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या फिर मॉनिटर बंद हो जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर वो बंद हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमारा सीपीयू जो है चालू होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कंप्यूटर चालू है और यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन पर जाता हूँ, शट डाउन करता हूँ, शट डाउन, और शट डाउन करने के बाद मेरा जो मॉनिटर है वो सबसे पहले यहाँ पर बंद हो गया। देख सकते हैं मॉनिटर बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन सीपीयू अभी भी यहाँ पर चालू है। आप देख सकते हैं सीपीयू अभी भी यहाँ पर लाइट आ रही है, मतलब चालू है। तो जब तक ये सीपीयू बंद नहीं हो जाता तब तक आपको डायरेक्ट पूरा पावर ऑफ है, उसे बंद नहीं करनी, पावर कट नहीं करनी है। देख सकते मॉनिटर हमारा बंद हो चुका है, सीपीयू अभी भी ऑन है, तो आपको थोड़ी सी वेट करनी है जब तक सीपीयू बंद ना हो जाता। अब देख सकते हैं हमारा सीपीयू बंद हो चुका है, अब आपको डायरेक्ट पावर ऑफ कर देनी, पावर कट कर देनी है। तो सीपीयू थोड़ी देर बाद बंद होते हैं, तो आपको तब तक पावर कट नहीं करनी जब तक सीपीयू में जो फैन चल रही है वो थम नहीं जाती, उसमें जो फैन जो चल रही है वो रुक नहीं जाती, तब तक आपको पूरा पावर ऑफ नहीं करनी है। इससे भी आपका कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो ऐसा भी आपको नहीं करनी, डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करनी है। इसके अलावा अधिकतर लोग क्या करते हैं, ना तो शट डाउन करते हैं, ना तो कोई एप्लीकेशन को कट करने के बाद कंप्यूटर को बंद करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं करते रहते हैं, उसके बाद जब उसका काम हो गया तो डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, मेन पावर को बंद कर देते हैं। ऐसा करने से आपका हार्ड डिस्क भी उड़ सकता है, आपका रैम भी खराब हो सकता है, आपकी जो मदरबोर्ड वो कमजोर हो सकती है। इस पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो भी बना दिया है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर ऑफ करने से क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऊपर आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो आपको कभी भी अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करनी है। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने का सही तरीका क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने का सही तरीका क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, जहाँ पर लिखा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर चल रहा है क्रोम ब्राउजर, देख सकते हैं जो कि यूट्यूब खुला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो है मीडिया प्लेयर भी चल रही है, देख सकते हैं जो कि VLC प्लेयर मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर कई सारी टास्क चल रही है, आपको बंद करने से पहले क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पर टास्क चल रहे, जितने भी आपने एप्लीकेशन ओपन करके रखा है, सबको आपको एक एक करके कट करनी। इस प्रकार से कट मैंने किया, नो पर क्लिक करता हूँ, क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन, इसे भी आपको कट कर देनी, इस तरह से कट किया। इसके बाद यहाँ पर चल रहे मीडिया प्लेयर, इसे भी हम जो कट कर देते हैं, इस तरह से हमने इसे किया कट।
इसके बाद यहाँ पर मेरे कंप्यूटर पर इंटरनेट भी कनेक्टेड है, देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसे भी आपको डिसकनेक्ट कर देनी है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके कंप्यूटर पर जितने भी एप्लीकेशन खुली है, ओपन है, सबको आपको कट कर देनी है। इसके बाद अगर आपका नेट भी ऑन है कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्टेड, उसे भी आपको डिसकनेक्ट कर देनी है। इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट बटन पर क्लिक करनी है, यहाँ पर जो पावर ऑफ बटन पर जानी है और सिंपली यहाँ पर आपको शट डाउन कर देनी है। शट डाउन करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। और आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि आपका मॉनिटर तो तुरंत बंद हो जाएगा, लेकिन सीपीयू जब तक बंद ना हो तब तक आप बिल्कुल पावर ऑफ ना करें, बिल्कुल पावर कट ना करें दोस्तों। तो वीडियो तो आपने देख लिया, अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा देना, और अगर आपके भी यार दोस्त हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सबको ये बात पता चल सके कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने का सही तरीका क्या है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी संदीप प्रजा सांत जाकर फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दिया हूं। तो बस आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।